الله كثيرا الله اكبر كبيرا سبحان الله وبركاته واسيلا سبحان سبحان عظيم الملك والقدس سبحان الهيبتي والقدرتي والكبرياء والجبروتي سبحان ملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبحان قدوس رب الملائكة والروح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله هو لله الحمد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اكرم الاولين والاخرين سيد المرسلين وخاتم النبيين وسيل بين يد الساعة إلى الناس كافة شهيدا ومبشرين ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على اللهم صل عليه وسلم تسليما وأصحى يوم القيامة مقاما محمودا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل أمة جعلنا من جعلنا من سقل يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المقبتين الذين إذا ذكر الله وزيلت قلوبهم والصابرين على ما أصابه والمكرمين والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون مسلمان بھائیوں आज बड़ी बरकत और खुशी का दिन है, इंतहाई शुक्र के लायक है वह जात जिसने फिर हमें यह दिन नसीब किया और जिसने हमारे अमल की मोहलत को इस हद तक बढ़ाया कि बड़ी बरकत वाली है बात, बड़ी बरकत वाली है जात जिसने खाना काबा को मोहतरम बनाया और हमारे लिए उसकी जियारत को अपने करीब होने का जरिया ठहराया। कैसे खुश नसीब है वो लोग जो आज के दिन इस मोहतरम घर की जियारत और तवाब की साथ हासिल कर रहे हैं, जिनकी जुबानों पर लब्बैक के नारे हैं, जो कभी मीना में है तो कभी अरफात में, कभी मुजदलफा में क्याम है तो कभी फिर मीना में, कभी अल्लाह के हुजूर कुर्बानियां पेश कर रहे हैं तो कभी उस हुक्म बजा लाने और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ताज़ा करने के लिए ज़मरात पर कंदरियां मार रहे हैं, कभी जौक और शौक के साथ तौहीद के इस मरकज़ का तवाब कर रहे हैं जिसे उसने अपने खलील हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हाथों बनवाया, और कभी जमजम के उस चश्मे का पानी पी रहे हैं जो अब से हजारों वर्ष पहले इस सूखी घाटी में अल्लाह ताला की खास कुदरत और रहमत से जाहिर हुआ। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर लिल्लाहिल हम्द। बड़ी बुजुर्ग और बख्तर है वह जात जिसके हाथ में आसमानों और जमीन की बादशाही है, कुदरत और गलबा उसी के लिए है, पाक है वह जात जो हमेशा से जिंदा है और जिसे फना नहीं, हम सब उसकी तारीफ करते हैं, सब उसका शुक्र बजा लाते हैं और उसी की रहमतों की तरफदार हैं। भाइयों आज का दिन है, हम सब खुशी के साथ अल्लाह के हुजूर शुक्र अदा करने के लिए जमा हुए, इसी शुक्राने में हमने दो रकात नमाज अदा की, बार बार उसकी बड़ाई बयान की, हमारे इसी खुशी का ताल्लुक हज और कुर्बानी से, हमारे लाखों भाइयों ने इस मौके पर बैतुल्लाह का हज किया, अल्लाह ताला के हुजूर अपनी मोहब्बत और अकीदत का सबूत पेश किया, उसके खुशी के लिए तरह तरह की तकलीफें उठाई और अपने हर अदा और हरकत से यही साबित करने की कोशिश की कि वे अपने आका और मालिक के इशारों पर किस तरह अपने आराम अपने माल अपनी ख्वाहिशों की कुर्बानी के लिए तैयार है। बंदे के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि वो अपने आका और मालिक का हुक्म बजा लाए, वह उसे खुश कर सके, गुलाम के लिए तो आका की खुशी ही सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन हज की सादत तो उन लोगों के हिस्से में आई जो इस सफर पर जा सके। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें कबूलियत से नवाजे और हमारे लिए भी इस सादत में हिस्सा पाने की शक्लें पैदा फरमाए। हम बेशक हज की सादत तो ना पा सके, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमारे हिस्से में सिर्फ महरूमी है, अल्लाह ताला का बड़ा फजल है और उसने कुर्बानी और नमाज को हमारे लिए कुर्ब हासिल करने का जरिया बनाया, और जो लोग कुर्बानी की ताकत भी ना रखते हो उनके लिए ईद का नमाज और तकबीर और तस्बीह को अपने कुर्ब हासिल करने का जरिया बताया। उसके हुजूर तो बंदे का खुलूस सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है, चाहे वह हज और कुर्बानी की शक्ल में हो या नमाज और तस्बीह की शक्ल। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर लिल्लाहिल हम्द। हम में से कौन ऐसा होगा जिसने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम न सुना हो, या आप भी जानते हैं कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहा जाता है, यानी अल्लाह का दोस्त। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी से इस बात का सबूत दिया कि उन्हें अल्लाह की मर्ज़ी और उसके खुशी से ज़्यादा कोई चीज़ प्यारी नहीं थी। इस खुशी को हासिल करने के लिए आपने अपना वतन छोड़ा और फरमाया इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बिल सय्यदीन, मैं अपने परवरदिगार की तरफ जा रहा हूँ।
यानी मैं उस माहौल में सांस नहीं ले सकता जहाँ मुझे अपने रब की मर्जी पूरे करने का मौका हासिल न हो। मैं इधर उधर चला जाऊँगा जहाँ उसके हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकूँ, और मुझे यकीन है कि इस बारे में वही मेरी रहनुमाई फरमाएगा। मैं उसके लिए अपना वतन छोड़ता हूँ, वही मुझ पर अपनी राह खोलेगा। अल्लाह के कलीलों को बुलंद करना आसान काम नहीं। मोमिन इस मकसद के लिए साथी ढूंढता है, चाहता है कि दूसरे उसका हाथ बढ़ाएं। औलाद से ज़्यादा हाथ बढ़ाने वाला कौन हो सकता है? मोमिन औलाद की तमन्ना इसीलिए करता है कि अल्लाह का कलीमा बुलंद करने में उसका हाथ बढ़ाएं। हजरत ने दुआ की, रब्बी हबले मिन सालिहीन, और परवरदिगार मुझे एक नेक औलाद अता फरमा ताकि मैं उसको साथ लेकर इन राह पर चलूँ और लोगों के लिए हक और हिदायत की राह हमारे हाथों खुले। यह बेहतरीन दुआ थी, बेहतरीन मकसद के लिए इरशाद हुआ, हलीम। तो हमने इसको एक हलीम लड़के की शर्म की खुशखबरी दी। चुनाचे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम होशियार हो गए, आपके मिशन में हाथ बढ़ाने लगे, आपकी दौड़ धूप में शिरकत करने लगे। उस वक्त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक और बड़ी आजमाइश से गुजर गए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे, बेटा मैंने सपने में देखा कि मैं तुमको अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूँ, बताओ तुम्हारी राह क्या है? अब इम्तिहान दोनों का हो गया। बाप के सामने यह सवाल कि वो अपने बुढ़ापे की दुआओं के नतीजे को अल्लाह का इशारा पाते ही अपने हाथों उसके लिए कुर्बान कर दे, और बेटे का ये इम्तिहान कि वो अपनी जान अल्लाह की मर्जी की खातिर कुर्बान करने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाए। बेटे ने जवाब दिया, अब्बा जान आपको जो हुक्म मिला है उसे पूरा कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझको साबित कदम लोगों में पाएंगे। बंदे की कैसी हैसियत, बंदे की यही हैसियत है कि मालिक की मर्जी के सामने किसी चीज़ की अहमियत नहीं, न जान की, न माल की, न औलाद की। बाप तैयार हो गया अपने चहेते बेटे को जो उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारा था कुर्बान कर दे, और बंदा तैयार हो गया अल्लाह की मर्जी के लिए खुशी खुशी अपने गले पर छुरी फिरवाए। अलम्मा असलाम वतल्लहू लिल ज़मीन। अब दोनों अल्लाह के हुक्म के सामने झुक गए और बाप ने बेटे को माथे के बल गिरा दिया। तो यह साबित हो गया कि दोनों ही अपने हिसाब में फरमाबरदारी में पूरे थे, दोनों सच्चे मुस्लिम थे, और यही देखना था कि इसी का इम्तिहान था। वो ना देना हूँ अय्या इब्राहिम कद सदक करो कद सदक करो अल्लाह इन्ना काज नज़ल मुहिज़नीन व इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन। चुनाचे हमने उसको पुकारा, आए इब्राहिम तुमने खाब को सच कर दिखाया, बेशक हम भले लोगों को ऐसा ही बदला देते हैं, बेशक खुली हुई जांच यही है। दोनों इम्तिहान में कामयाब हो गए, दोनों ने यह कर दिखाया जो चाहा जा रहा था, और हमने उसको एक बड़ी कुर्बानी के बदले में छुड़ा लिया। अल्लाह ने इसी कुर्बानी की यादगार में कुर्बानी की पूरी दुनिया में एक शानदार सुन्नत कर दी। यह है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक हकीकत जिसे अल्लाह ताला ने हमारे लिए अपने आखिरी किताब में महफूज कर दिया है। क्या मन तक इसमें यह हकीकत सामने आती रहेगी कि इस्लाम को असल रूह क्या है? खुदा की इताअत के मुकाबले में बंदा किसी चीज़ को बचा कर नहीं रख सकता, और जब तक यह जज्बा मौजूद न हो ईमान और इखलास की तकमील नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर। आज ईद का दिन है जो इस कहानी की यादगार बनाने का दिन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस यादगार को बनाने के लिए जानवरों की कुर्बानी का तरीका हमें सिखाया। यह कुर्बानी हमारे इस्लाम की एक अहम निशानी है, हमारी इताअत और फरमाबरदारी का एक सबूत है, कि इताअत और फरमाबरदारी एक शानदार वाकये की यादगार है। ईमान वाले जो अल्लाह की राह में अपनी कुर्बानियाँ पेश करते हैं तो गोया वो अपने अमल से इस बात का इकरार करते हैं कि अल्लाह की राह में हमने अपनी जानें कुर्बान करके इताअत और बंदगी का सबूत जुटाने के लिए तैयार रहे। अल्लाह की मर्जी के मुकाबले में हमें कोई चीज़ प्यारी नहीं, ना अपने जान, ना माल, ना अपनी औलाद। अल्लाह अकबर। भाइयों, ये कुर्बानी अगर खुलूस नियत के साथ दी जाए तो आज का दिन अल्लाह की कुर्ब हासिल करने का सबसे बड़ा जरिया है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्बानी के दिन इंसान का कोई अमल इससे ज़्यादा अफजल नहीं है कि वो अल्लाह की राह में जानवर की कुर्बानी पेश करके उनका खून बहाए, और कुर्बानी के जानवर कियामत के दिन अपने सींगों और बालों और खूनों के साथ
सही सालिम हालत में आएंगे और यह कि कुर्बानी का खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल हो जाता है। कुर्बानी हर उस शख्स के लिए जरूरी है जिसके पास निसाब के जितना माल मौजूद हो। कुर्बानी के लिए ऊंट गाय और भैंस में 7 हिस्से और बकरी भेड़ और दुम्बे में 1 हिस्सा। कुर्बानी के लिए ऊंट 5 साल से कम का होना चाहिए, गाय भैंस 2 साल के, बकरी भेड़ कम से कम 1 साल की हो। अलबत्त दुम्बा या भेड़ 6 महीने का हो भी सकता हो, बस शर्त यह है कि ऐसा मोटा ताजा हो कि देखने में साल भर का मालूम होता हो। इन सब जानवरों की नर और मादा दोनों की कुर्बानी हो सकती है, लेकिन अहबदार जानवर जैसे कि अंधा, काना, लंगड़ा, इंतहाई दुबला, मरीज कुर्बानी ठीक नहीं। कुर्बानी के जानवर चुनते वक्त इसके मुताबिक मसले सामने रहना चाहिए। कुर्बानी का वक्त ईद की नमाज के बाद, कुर्बानी में ईद की नमाज के बाद से जिलहजा के 12 को सूरज छिपने से पहले पहले तक है। कुर्बानी दिन में करना चाहिए, हाँ कोई मजबूरी हो तो बाप दूसरे। कुर्बानी करने का सही तरीका यह है कि वह शख्स जिसकी तरफ से कुर्बानी पेश हो खुद अपने हाथ से जुबा करे। अलबत्ता अगर किसी मजबूरी से वजह से ऐसा रंग कर सके तो अपने सामने दूसरे से जुबा कराए। जमीन पर वक्त पचारते वक्त जानवर का मुंह किबले की तरफ रहे और कुर्बानी से पहले यह दुआ पढ़े। इन्हीं वजहत वजह समाती कुर्बानी की असल रूह है, बल्कि यूं कहे कि मोमिन की जिंदगी का असल रूह है। आप कहते हैं कि मैंने हर तरफ से मुंह मोड़कर अपना रुख उस जात की तरफ कर लिया जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, और मैं उस लोगों में नहीं हूँ जो उसके साथ दूसरों को शरीक ठहराते हैं। यह कैसा बड़ा ऐलान है, अगर सोच समझ कर कर लिया जाए तो फिर इसके बाद इसकी गुंजाइश ही क्या रह जाती है कि इंसान अल्लाह से हटकर किसी राह पर चले और उससे मुँह मोड़कर जिंदगी का कोई रुख तय करे। आप फिर आप कहते हैं कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना सब कुछ अल्लाह के लिए है जो सारी दुनिया का पालनहार है। इखलास का ऐलान इससे बढ़कर और क्या होगा। इसके बाद यह कैसे मुमकिन है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी किसी तरह भी दो रुपापन बाकी रह जाए। आप में तो सर से पैर तक इखलास ही इखलास होना चाहिए। इस इकरार के बाद यह कैसे मुमकिन है कि आप जिंदगी का कोई काम अल्लाह के अलावा किसी और के लिए करें। आप तो इकरार कर चुके हैं कि मेरी ज़िंदगी का यही मरकज़ है और वह है रब्बुल आलमीन, पूरी कायनात का रब, पूरे कायनात की रब की खुशी। फिर आप क्या एक हकीकत का ऐलान करते हैं कि अल्लाह यह जो कुछ भी तेरी खुशी के लिए पेश कर रहा हूँ यह तेरा ही दिया हुआ तो है और तेरे लिए ही पेश है। अजीज और सुपुर्दगी की एक ऐसी ऊंची तस्वीर है कि आप जो कुछ कर रहे हैं इस इकरार और एहसास के साथ कर रहे हैं कि मैं और मेरा सब कुछ अल्लाह ही का है और उसी के लिए है, और जाहिर है कि उसी के लिए होना चाहिए। अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह व अल्लाहू अल्लाहु इल्ला अलम। आपने कुर्बानी पेश कर दी, ये माल की कुर्बानी भी है और जान की भी। अब आप अपने मालिक से अर्ज़ करते हैं, ऐ अल्लाह तू मेरी तरफ से कबूल फरमा ले जैसा कि तूने अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी को कबूल फरमाया और अपने खलील अब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को कबूल फरमाया। ये दुआ भी है और इस बात का ऐलान भी कि आपने जो कुछ किया है वह कोई ऐसी बात नहीं जिसे आपने अपने दिल से तय कर लिया हो, बल्कि यह एक यादगार है उस बड़ी कुर्बानी की जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पेश फरमाई, और यह तरीका है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसने उम्मत के लिए ज़रूरी करार दिया। अल्लाह अकबर। भाई में बड़ी खुशनसीब है लोग जो जिंदगी की मोहलत में अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए एहतमाम करें। अल्लाह ताला ने हर उस शख्स पर फर्ज किया है कि जो उसके खर्चे को सह सके। हमेशा अगर कोई शख्स ताकत के बावजूद इस भले काम से महरूम है तो उसे तुरंत फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किसकी ज़िंदगी की कितनी मोहलत बाकी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए नेकी के कामों में जल्दी करने की ताकीद फरमाई। ऐसे लोगों को यह फैसला कर लेना चाहिए कि जल्द से जल्द इस फर्ज को अदा करें। दुनिया और उसकी उलझन तो कभी कम न होगी। पक्के इरादे की जरूरत है, सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। इसके बाद वे लोग जिन्हें अल्लाह ताला ने इतना माल दिया है कि उन्हें कुर्बानी करना चाहिए, ऐसे लोगों को भी इस सादत से महरूम न रहना चाहिए। माल और दौलत का बेहतरीन इस्तेमाल सिर्फ यह है कि अल्लाह की कुर्ब हासिल करने के लिए खर्च हो, क्योंकि दुनिया की ज़रूरत की हद कब किसी ने कायम की है। भाइयों, ये दिन अल्लाह ताला की तकबीर और तस्बीह के लिए खास तौर पर अहम है।
आपने नौ जिल्हा की सुबह से हर फर्ज नमाज के बाद तकबीर पढ़ने का इहतमाम किया है, उसे पूरी चेतना के साथ हर फर्ज नमाज के बाद 13 जिल्हा असर तक पढ़िए और हर बार यह ख्याल को ताज़ा रखिए कि आपने सोच समझ कर यह इकरार कर लिया है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, सब उसकी बड़ाई के मुकाबले में किसी दूसरे की बड़ाई आपके दिल में बैठने न पाए। आपने तो अपना इलाह माना है, फिर यह कैसे हो सकता है कि आप किसी दूसरे के अल्लाह मानने का कोई असर कबूल करें और किसी दूसरे को यह काबिल समझे कि वह भी किसी दर्जे में बंदगी का हकदार है। सारी तारीफ तो उसके लिए है और शुक्र का हकदार भी सिर्फ उसी की जात है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, اللهم اغفر لنا وارحمنا والدنا وارزقنا وعافنا اللهم تزل مصيبتنا في ديننا ولا تزل علي الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من الله الرحمة انت ولينا مولانا برحمتك الرحمن الرحيم باقي الدعوانا الحمد لله رب العالمين।